ये देखिए हमारा मूली का पकौड़ा कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। ऐसे ही पकौड़ा बनाने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि एक भी स्टेप आप मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, अपनी रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मूली का पकौड़ा का रेसिपी लेके आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर जिन्होंने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूली का पकौड़ा बनाने के लिए 2 मूली हम लिए हैं, उसे अच्छी तरह से हम धो के और इसका हम पत्ता हटा दिए हैं, लेकिन इसका पत्ता हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम इसी में यूज करेंगे। तो पहले इसका हम छिलका हटा लेते हैं और छिलका हटा के इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। मूली का छिलका हटा के हम अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं और मूली के पत्ते को अभी हम बारीक काट लेंगे। मूली के पत्ते को भी हम बारीक काट लिए हैं, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, लंबा लंबा साइज में हम काट लिए हैं, ये डाल देंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे, 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे जीरा पाउडर, और 1 चम्मच डाल देंगे हम चाट मसाला, और 2 से 3 चम्मच डाल देंगे चावल का आटा। ज़रूरत के हिसाब से हम डालेंगे इसमें बेसन और स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक, और अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच डाल देंगे गरम तेल, और एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे सबको। मिश्रण हमारा तैयार है, तो अब हम पकौड़ा बना लेते हैं। इधर तेल हमारा गर्म हो गया है तो हम पकौड़े बना लेते हैं। इस तरीके से हम हाथ से लेंगे और हल्के हल्के हाथ से इसे हम गोल कर लेंगे, ज़्यादा दबाएंगे नहीं इस तरीके से, और डालते जाएंगे एक एक करके। पकौड़ों को हम उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पकौड़े क्रिस्पी हो गए हैं, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा मूली का क्रिस्पी और स्वादिष्ट पकौड़ा बनके तैयार हो गया है। आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। खत्म। बाय बाय। टाटा। गुड बाय। गया।